बहुत बढ़िया, हर किसी को देखनी चाहिए। वंडरफुल वर्किंग डे बट फुल था, बहुत अच्छी लगी मूवी। हर किसी यामी गौतम किस तरह से निभाया अपने किरदारों को? सभी बढ़िया थे एक्चुअली, कोई हीरो हीरोइन नहीं था, स्टोरी वॉज द हीरो। जनता से क्या अपील है आपकी? सब देखो वीकेंड्स पे देखो, खूब हल्ला मचाओ अंदर, इट्स वंडरफुल। एवरी इंडियन शुड सी दिस, एवरी इंडियन। जानकारी देती है मूवी बहुत बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच। आइए आर्टिकल 370 सर की को अच्छी लगी मूवी, देखने वाली है? हां बहुत अच्छी, एक्टिंग बहुत अच्छी जी, बहुत अच्छी, बड़ी अच्छी मूवी है, देखनी चाहिए। कश्मीर फाइल्स के बाद बड़ी अच्छी मूवी है, कश्मीर फाइल्स के बाद बेस्ट रही। हां जी सर, कैसी रही 370 देखकर आ रहे हैं? अच्छी मूवी है। आर्टिकल 370 का दे वॉन्ट टू नो की क्या है, बेसिक बेस क्या है, कहाँ से आया, दे शुड वॉच। 99 में एंजॉय कर रहे, फुल ऑन हाउसफुल फुल है। सो गर्ल्स कौन सी मूवी देखकर आई? आर्टिकल 370 लगता है ऑडियंस को देखने वाली मूवी है। हाँ, इट इज अ नाइस मूवी, वी कैन सी इट। अच्छी जानकारी मिली आपको? अच्छी है जी, मैं भी खुद जम्मू की ही हूँ तो मैंने तो प्रेफर करना ही था ये मूवी देखने का। तो महसूस किया उस चीज को, उस समय को, किस तरह से वो चीज़? मैं भी तब वहीं पे ही थी, जिस तरह से मूवी में दिखाया गया इसी तरह से वैसे ही था सब कुछ। मैं वहीं पे ही थी जम्मू में जब ये सब हुआ था। बहुत डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है जॉब्स को लेके, बाकी भी रिफॉर्म्स राइट्स को लेके, बहुत डिफरेंस है वहाँ पे। लगता है इस तरह की मूवीज आनी चाहिए और देख लेनी चाहिए ऑडियंस को? अच्छी है मूवी, देखनी चाहिए। थैंक यू। आर्टिकल 370 सर, बताइए अपने विचार किस तरह से है, क्या अनुभव रहा? बहुत बढ़िया मूवी है, अच्छी स्टोरी अच्छी है, देखने लायक है, मेरी तरफ से तो 5 में 5। सर क्या कहेंगे, क्या दिखाया गया मूवी में, क्योंकि आर्टिकल 370 है और ट्रू इवेंट बेस्ड है, तो किस तरह का दिखाया है? एक्चुअली जो हमारे जो संविधान में जो सब लागू हुआ था ना, उसी चीज़ की उन्होंने दिखाया हुआ। एक्चुअली मुझे पहले पता तो था नहीं, बट अभी देखने से पता चला कि हाँ ये चीज़ सबको देखनी चाहिए, ये हमारे इतिहास की परंपरा है। हमें झूठा दिखाया गया था, बताया नहीं गया था इसके बारे में, बट इस फिल्म की वजह से हमें जो सच्चाई है वो पता चली है। जानकारी या डेफिनेटली मेरी तरफ से या डेफिनेटली मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच, एक अच्छी जानकारी जो कि सबको आर्टिकल 370 देखकर आ रहे हैं। बढ़िया मूवी है ऐसे तो, थोड़ा एक्सपीरियंस वगैरह बहुत अच्छा था, CGI वगैरह बहुत बढ़िया है और स्टोरी लाइन भी पूरी परफेक्ट है। मतलब कि जैसे फनी सीन्स भी हैं बीच बीच में, और कई मतलब अपनी वो कहते हैं फाइटिंग स्किल्स वगैरह सब कुछ दिखाया उसमें, जो जो सारा सेक्रीफाइस वगैरह था, मतलब वो सब कुछ था। यामी गौतम की एक्टिंग बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी। अच्छा लगता कि ये जो इस इवेंट को आपने पहले कभी सुना था 370 के बारे में जानकारी थी? सुना तो था, पर उस टाइम तो हम 7th-8th में थे तो ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। तो मूवी देखने के बाद लगा कि रोशनी, हाँ अब तो बहुत है, अब तो पूरी नॉलेज आ चुकी है ऑलमोस्ट। अगर किसी को बताना हो, समझाना हो, समझा सकते हैं फ्रेंड्स को, अपने सर्कल को कुछ कहना चाहोगे देखने के लिए? वी शुड वॉच इट, बहुत बढ़िया मूवी है। आर्टिकल 370 देख लेनी चाहिए, आर्टिकल 370 देख लेनी चाहिए, बहुत बढ़िया मूवी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्या कहेंगे जनता को, किस तरह की फीलिंग आई देख? ये बीजेपी गवर्नमेंट थी जिसने 370 हटा दिया, कांग्रेस ने तो देश का भट्टा बिठाया। किस तरह से रही पूरी मूवी? बहुत बढ़िया, हर एक चीज अच्छे से बताई गई है उसमें, कि कैसे 1954 में कांग्रेस गवर्नमेंट ने डॉक्यूमेंट छुपाए गए थे इससे रिलेटेड, और ये बेस्ट मूवी है। और यामी गौतम के किरदार के लिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा किरदार निभाया, और अमित शाह के रोल में भी बहुत ब्रिलियंट, बहुत बढ़िया, बेस्ट मूवी। आर्टिकल 370 ठीक थी, अच्छी थी, काफ़ी अच्छी थी, प्रोपेगेंडा थी उन्होंने। आर्टिकल 370 भाई, आर्टिकल 370 से फ्यू वर्ड्स फॉर दिस, वेरी गुड मूवी। क्या कहेंगे, किस तरह से? फुल डिटेल्ड मूवी, डिटेल्ड मूवी, प्रॉपर्ली दिखाया, प्रॉपर सारा। क्या कहेंगे देखने के लिए? नहीं प्लीज मस्ट वॉच, मस्ट वॉच है सारे। थैंक यू सो मच, ये मस्ट बताओ सर, कैसी रही मूवी? बढ़िया है, देखने वाली है, बहुत देखनी चाहिए आर्टिकल 370। हाँ लोगों को देखनी चाहिए, देखनी चाहिए, अच्छी लगी यामी गौतम एक्टिंग एंड ऑल द थिंग्स। हाँ जी सब बढ़िया था, अच्छा लगा, ओके शुक्रिया। चलिए आइए, आर्टर आ रहे हैं आप, बताइए किस तरह का है? अच्छा था, अच्छी थी, अच्छी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, इतने